उसके बाद अल्लाह ने मुल्क को बहाला लाना शुरू किया। नमूना तो था अल्लाह की मौजूदगी में, तो वहाँ पहुँच एक वक्त के आलम में एक हाल आ गया। अब जो अगर यहाँ नमूना न हो तो वह कैसे करें, घबरा जाए क्या करें। आप लोग तो कदरदान नहीं भेजा समझा वो हजरात जो बाहर यूरोप में मतलब वो पागल होता हालत ऐसी हो गई है। अमरीका के साथी रोना टेलीफोन चिली के साथी अपना कैनेडा के साथ ही अजीब उनके जब उनसे कहो तो कहते मौलाना ऐसा सीन खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो बहुत ज़्यादा हम लोग अल्लाह से फिर भी बड़े लेकिन अगर ये एक तरीके पर हुजूर के तरीके पर काम होगा तब हिदायत आई। अब हमको अल्लाह आदि बना रहे हैं कि कुर्ता तुमने पहनना सीखा सुन्नत वाला, मेहनत में हुजूर का तरीका सीखो, इस तरह काम करना पाबंद होगा आधा लोगों इतना। ये अगर हमें सीख लिया तो फिर अल्लाह करीम है, बहुत मुमकिन है आप रात को सो सुबह सुनोगे जर्मन इस्लाम में दाखिल हुआ, चाहे ये मोहन इस्लाम कह दूँ चाहे इस्लाम में दाखिल हो, लगता है ऐसा और लोग हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा हिम्मत करने की बात है और हर हाल में हुज़ूर सन की मेहनत को करना है हुज़ूर के तरीके पर नहज नबूवत पर, फिर इसमें इस्तेकामत मिल जाए तो हम हुज़ूर वाले काम वालों में शुमारों को मरें मरना तो है लेकिन इस काम में मरे। ये अल्लाह ने हुजूर की ज़िंदगी में इतना बड़ा मौजूदा था अगर कमज़ोर ईमान वाला भी हर हाल में हुजूर की इत्तबा कर सकता कमाल था, कमाल ईमान वाला भी कर सकता। भाई इस वक्त का जिक्र सुनना है, हर वक्त का अमल अलग अलग है। तो भाई फरीद साहब को बंदिश में कह देता कि ये तुम क्या कर रहे हो, मशवरे में क्या कर रहे हो। मैं हैरान हो गया, मैंने वाजत क्या फरमा रहे। इसलिए ठीक लगा कि न सुनिए बात को, ठीक लगाने का वक्त नहीं। अब ये मजमूनों को बयान करने का वक्त नहीं, अब ये ना बहुत सख्त इस्तिगफार और तौबा का वक्त है। इसको दो मिनट के लिए बंद करिए, रोक रिपोर्ट जाए। और अब जैसे हम लोगों की आदत है ना इस तरह निकल उन्हें लपेटे में पूरी दुनिया जाएगी। मेहरबानी करके हमें हिम्मत भी रखना है, तौबा इस्तग़फ़ार गिन गिन के पहले ये गलती हुई ये चूक हुई ये चूक हुई ये चूक इसको करना होगा। हमारे बड़े बोलों से आला है दुनिया हाल हजरत, इसलिए आया अल्लाह ना करे कि मौन सीखा तो मानते हैं कि दिल जुड़े हुए होंगे। चार चीज़ें कहते हैं मदद आएगी, बरकत हो, दुआ कबूल होगी, हक जिंदा हो। और अगर दिल फटेंगे जैसे फट गया, मदद हटेगी, बरकत उठेगी, दुआ नहीं कबूल होगी, काफरों को मुसल्लत करेंगे, ज़बह करेंगे। अब दिल फटे सबको मालूम है, चाहे सारी दुनिया को हम बोले कुछ नहीं, अल्लाह देख रहा है दिल फटे। अब उसके बाद मदद हटी, बरकत उठी, दुआ, अब मसला ये हो गया कि काफिर मुसल्लत हुए, उन्होंने हद से ज़्यादा जुल्म कर दी बाज़े मुल्कों में, उसके बाद अल्लाह ने आम अजाब आम बला भेज और उन्हीं पर आ गई, उनके अल्लाह से ऊपर चला गई। तो इससे हमको तौबा करना, और ये हुआ इसलिए हमने बड़े बोल बोले कहीं सारी दुनिया में लड़ाए तबलीग में लड़ाई कब करके दिखाओ मोहब्बत, ये दो चार आदमी की बात नहीं हो रही। ऐसे भी वाक़ात हुए हैं
कि मस्जिदों में जमात भी, उनको मार मार के निकाला, ये क्या निकालेंगे हरी पगड़ी वाले, ये हुआ। ये हमको सख्त तौबा की जरूरत है, सख्त रोने की, बातों का वक्त नहीं है हजरत, हमें हमसे गिन गिन के मांगना होगा ये गलती भी, ये मैं अपने बारे में सोचूंगा। और ये मुझे तो ऐसे लगता है सारी दुनिया में हाल मेरी वजह से आया, मेरे गुनाहों की वजह से। लोगों के पास तो जापान के, अमेरिका गुनाह, हमारे पास बैतुल्ला के गुनाह। साहब डरते थे मक्का रहने में, हम लोग जुरत से रहते हैं, खुदा माफ़ कर, खुश होते हैं। वो डरते थे इब्न अब्बास क्यों चले गए ताइफ, क्या उनको मक्का अच्छा नहीं लगा? जानते नहीं, वईदों को नहीं जानते यहाँ क्या चीज़ है। असल में मेरे गुनाहों की वजह से इस्लाम यह माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ी को पसंद कर। ये गफलत जो है ना, चाल से पता लगा गाफिल है, इसके बोल से पता लगता है गाफिल है, हम लोग गाफिल हैं। इतनी मुश्किल से सारी दुनिया में मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने की आदत, अब देखो घर में पढ़ने क्या, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी जम के। अगर आपकी वजह से मुझे ये बात याद आ रही, वरना मैं इधर आम जाकर 10 मिनट चले आता। लेकिन ये बात आपको मौलाना इलियास साहब ने फरमाया था, सबको जमा कर बताओ क्या वजह है बेदीनी की, सारी मुसीबतों की। उलमा इकराम थे, जवाब दिए, बड़े बड़े लोग थे। फरमाया था आपके जहन में क्या है, फरमाया सारे गुनाहों की वजह ईमान की कमजोरी है, ये हम रटते हैं बगैर समझे। उन्होंने पूछे इसका इलाज क्या है, फरमाया दावत। उन्होंने कहा कुरान में कहा है, हजरत ने अजीब ये मैंने मौलाना अबू हज़रत सबसे इनकार में सुना, टेप में नहीं सुना। फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन, सहाबा इकराम को और ईमान वालों को खिताब है, पहले अरब को खिताब है ना, और फिर दोबारा वो तुम इन्होंने बिल्ला क्या माने, जब दोबारा कहने के माने तकरार और ताकीद मुराद है। अब हजरत फरमाते तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारी उम्मत निकाली गई है सारी इंसानियत के नफ़े के लिए, नाम नफ़े का, नफ़ा भी मुफ्ती जान सौ में तय है, नेकियों को फैलाना, नफ़े बहुत से हैं या तय है नेकियों को फैलाना, बुराइयों से रोकना, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा वो तुम लगा अरबी में कहा ए तो कौ ईमान को मिलना सुनान होता, तुम्हारे ईमान में को होता सब खबर। हजरत मौलाना लिया सब बयान कर चुके। अब ये जो हमने बात है ना, इसको हमने रटने में लाए, दावत से ईमान आएगा, ईमान जिंदगी बनेगी, ये रटा हमने, इसका नतीजा यह है नहीं ईमान समझ में आया हमको, नहीं ईमान की मेहनत समझ में आई, और उसको हमने किया नहीं, लिहाजा सिफात ईमान ही आई नहीं, मसाइल खड़े हो गए पूरी दुनिया में। इधर उधर मत देखना भाई, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, हर आदमी आने वाले को आप देखें ईमान आप में बचपन आया, इसलिए बचपन में अल्लाह नबूत नबी नहीं नबी नहीं बनाया, 40 साल इसलिए दिया संजीदगी, हर आदमी को देखेंगे तो लेने वो ये मुजाकर चल पड़ेगा। अब सुनो हमने रटा, रटने की वजह से रटवाया, कभी दाई बना रहे वही लफ्ज करवाया, नतीजा आया कि सिफात नहीं आए, अपन टकरा गए हालात आ गए। घबराने का नहीं, मर्ज पहचान कर, ये मौलाना इलियास सबको अलग डायग्नोज करवाया, इतनी बड़ी तशखीस हुई है कि असल मर्ज ये है, इसके इलाज है। थोड़े वक्त में लोग हैरान हुए, थोड़े वक्त में 3 दिन में आदमी बदल कैसे आता, डायग्नोज हुआ। और हम असल में हमें शैतान ने चक्कर दे दिया, असल काम जो था ना जो हजरत के जहन में था वो सब समझते थे, ये जो ट्रेन चलते हैं ना उसको यूं सिर्फ करते हैं वो लोग, आपने देखा, आपने हमने देखा पहले ज़माने में ऐसे करते थे, खुद ही खुद वो दूसरी पट्टी पर आए, ऐसे हुआ शैतान ने चक्कर दिया, उसको मालूम है अलाम फलाम में मत लगाओ, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, पहली बात तो तय करो ईमान क्या है, ये मौलाना सईद खान साहब ने बयान कर दी, सब उन्होंने बयान किया हज़रात ने, अल्लाह उनकी कब्र नूर से भरे, सब फरमा चुके, सब ने सुना है पर याद दिलाना। आंखों देखी को झुटलाना, गैब की खबर की तस्दीक करना, चाहे ये जुमला इतना कह दिया मौलामीन साहब ने इसको मिलाया, चाहे समझ में ना आए, ये मैंने मिंबर पर हज़रत से सुना, ये बड़ी अहम जुमला बोला आगे, समझ में नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, दिल से मान रहे हैं। कारी तब से फरमाते पहचानना ईमान नहीं, जानना ईमान नहीं, मानना ईमान, और मानना भी काफ़ी नहीं कि मैंने कहा हुजूर को फरमानक, अल्लाह ये कह दे, हजरत मदनी फरमाते हैं इसके दिल ने माना फिर ईमान कहलाए, ये बुखारी के 10 में हजरत मदनी फरमाते हैं। मौली साहब गौर से सुनो, ना कदरी की हद कर दी, मैं बोल बोल के थक गया लेकिन आप लोगों को पल्ले नहीं पड़े ना। एक मर्दा भागते
मुझे बहुत सख्त तकलीफ है, मैं आपको पसंद, मुझे बहुत तकलीफ है कि अमानत ले नहीं रहे, लेकिन लेने वाले ले चुके बाहर वाले। हम तुम लोगों से बेतकल्लुफ हो गए, तुम्हारी चाय पी ली इसलिए नाकदरी कर रहे। हालांकि समझना जरूरी, यहाँ नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम्हारा दिल मानता है? अल्लाह कहते हैं इसके दिल ने माना, ये ईमान, इससे पहले ईमान नहीं। गौर से सुनना हजरत, मौलाना सईद खान साहब एमतुल्लाह मिसालें देते, दो आयतें पढ़ते। हम 100 रुपये आपके, 100 रियाल है या 100 डॉलर है, 100 रुपये आपने, 5 रुपये सदका दिए, आप बताओ कितना रह गया? 100 में से 5 दिए, झूठ बोल, देखो हमको लेकर आए झूठ बोल, ऐसे आदमी कुछ ले हुजूर फरमा रहे अल्लाह की कसम सदके से घटता नहीं, हम हमने कहा घट गया, तो बोलो सब बोलो झूठे हैं, बोलो ना, इनसे डर रहे अल्लाह से डर नहीं रहे, बोलो हम भी झूठे, हम भी 95 देख रहे हैं, इसको क्या बोलो, मैं भी 95 देख रहा हूँ, लेकिन अल्लाह हुजूर का फरमान हक है, अल्लाह की हुजूर कसम खाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ 3 मकाम पे कसम खाया, उलमा फरमाते यहाँ खाया, अल्लाह की कसम सदके से घटता है। अब ये हुजूर का फरमान अगर दिल में उतर गया, अब अमल में जाहिर होगा, फकीर गुजरा कहीं खुला नहीं बाद में दे दूँ, ये मेरे साथ होता है महीनों, खुला नहीं करा देते दे, खुला नहीं का बहाना, डबटवा बाद में खोलते भी कहें 500 का नोट, बाद में जब 10-10 कराएंगे नहीं, अरे भाई करा ले एक मरतबा हजरत, सदका सिर्फ हम दे दें ना, दो चीज़ें सदका दे दें, बला आने वाले को फला बला फला नहीं सकती, उसको कितना आसान अमल है इस मुसीबत से बचने, और ये दुआ करनी किसी मुसीबत को देख कर या बीमारी को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मुब्तला कभी फ़ज़ल, ये पढ़ा मौत तक वो बीमारी आपको आएगी नहीं, एक लो हदीस में कहने, कितना आसान इलाज है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ें फरमाई। अभी आपको समझ में इसलिए आ रहा है कि आपकी मश्क हुई है, सारी जिंदगी आपने तस्दीक करने में गुजारी, जब आपको उतरे वरना उतरती नहीं है, अब अल्लाह की कसम सदके से घटते हैं, और सदका देते ही रहमान के हाथ में आते हैं, ये सब गैब की खबर है, और फरमा बुरी मौत से बच जाएगा, मौत तो आनी है और मौत का ताल्लुक बीमारी से नहीं है, अल्लाह की कसम, बहुत से सेहतमंद मरते बगैर बीमारी के, इमाम शाफी फरमाते हैं मर जाते हैं, कम बिन सहीन मात बिन गैर इल्लतिन कम बिन सकीम इन आश बिन दहरी, कितने बीमार है मर नहीं रहे, बीमारी का ताल्लुक। अब हुस्ने खात्मे के मिलने के लिए मिसवाक है, 5 अमल है, एक और सदका, बुरी मौत से बच जाए, मरना तो है, अब डर क्या रहे हो, वाहन आ गया, मौत की घबराहट और दुनिया की मोहब्बत ने हमारा काम कर दिया, हालांकि मुसीबतें हैं परेशानियां हैं, फिर भी कहते हैं लम्बी हमें जन्नत में जाना, भी यहाँ रहने नहीं, लंबी उम्र हो जाए, मरना नहीं है, क्या हो गया हमको मौलाना, इसको सालों पहले इतना पढ़ते थे हदीस, बहुत पढ़ते थे, हम समझते हजरत क्या फरमा, अब पता लगा वाकई नजर आया, हम इम्तिहान में फेल है, अपना हाल सुना, घबराहट हो रही मौत से, हालांकि साहबी कहते फुस तो रब काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हूँ, और हम कुछ और सोच रहे, हमको जाने को दिल नहीं चाह रहा, अल्लाह रफीक आला फरमाए, घाटियां सख्त हैं, मामीन साहब की दुआ थी अल्लाह अब से लेके सकरात तक और मौत तक और मौत से लेके जन्नत इतनी घाटियां इसको आसान फरमाए, जब ये दुआ करते हैं मालूम होता है कोई भारी चीज दिल में आई, सुन जिन्होंने उनको सोहबत मिली उनको मालूम होता है, हमारे दोस्तों को अल्लाह जाने क्या हो, दोहर से सुनना, तो ईमान आंखों देखी को झुटलाना, अब सूद से देखो सुनो मौलाना अजीब के 1 लाख रुपए जमा किए बैंक में, ना वो आएगा एक 10 कुछ बढ़ेगा, आएगा ना, नजर आया बढ़ गया, हुजूर फरमान है भाई अल्लाह से ऐलान जंग कर, अगर ये अल्लाह मियाँ कर देते कि भाई बैंक में डालो तो 90 आ रहा है, तो यहूदी भी जमा ना करा था बैंक में, बोले यार कौन करेगा इसमें, और मौलाना फरमाते थे हराम कमाई का हलवा पकाया तो वो मीठा होगा, ये नहीं कि हराम का पकाओ तो कड़वा होगा, हलाल का पकाओ तो मीठा होगा, दोनों कोई हराम कमाता नहीं, ये इम्तिहान में डाल दिया, हराम कहो हलाल कहो हलवा मीठा हो, अगर ये कर देते अल्लाह तो कोई हराम नहीं कमा, इसमें इम्तिहान डाल, मौलाना गौर से सुनना, मुझे आपसे बात करने आया हूँ, ध्यान से लीजिएगा, हम उन्हें गौर नहीं करते, मेहरबानी करके हुजूर ने फरमाया था इल्म उठ जाएगा, मौलाना जानी साहब को बयान
साहबी ने कहा सुना इम तो अपने बच्चों को पढ़ा, फरमाया समझ उठ जाएगी। मैं जब सुनता हूँ मदनी एम का बयान या मौला सीखा फ़र्क, मुफ्ती वली हसन साहब ने तकरीर सुनी बुखारी की और मौन मानी की, आसमान ज़मीन का फर्क। हालांकि मुफ्ती साहब हमारे लिए ऊपर है बहुत ज़्यादा, लेकिन हजरत मदनी उनके उस्ताद थे। मौला सलीमुल्लाह खान साहब का बयान सुना हजरत मदनी का, क्या ख्याल है हमारा और उनका फ़र्क। हम सतह बिल्कुल नीचे हैं, ध्यान से लीजिए। अभी वबा बयान किया मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब ने, हैरान कर दिया। मैंने कहा या अल्लाह उस वली ने बुखारी के दर्स में ऐसे हाथ पूरा खोला वबा के अहकाम को, इस वक्त क्या करना चाहिए। क्या आप लोगों को तो वक्त नहीं ना सुनने का, भेजो तब कहते हमने सुना नहीं, वक्त नहीं। ऐसे नाकदरों से अल्लाह बचाए मुझे। औरों को तो जानते नहीं ना उनका, हमको पता मालूम, जिसको पता मालूम है उसको सुनने की फुर्सत नहीं। ये मैं दिल का बोझ मुझे वो बता रहा हूँ। और ज्यादा हाल देखना चाहते हैं क्या? सख्त रोने की जरूरत। और बाज़े लोग रो रहे हैं वाकई, आप लोगों में तो हाल है, जो बेचारे जमाते आई ना उनसे जब सुना तब पता लगा किस हाल से गुजर के आया हूँ। घबराने का नहीं, यहाँ समझना है तस्दीक के बढ़ने। अल्लाह फरमा रहे गुरिबत अलैहिमुज़्ज़िलतुल्मस्कना, और हम देख रहे हैं यहूद दंदना रहा है, अल्लाह जलील कह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं सारी दुनिया कुछ कहे सब झूठे हैं, अल्लाह का फरमान हक, अब नूर दिल में उतरेगा, ये तस्दीक उतरेगी। मौलाना गौर से सुनना, ये तस्दीक अगर बढ़ गई हजरत तक़वा है। अब जो हमारे पास ईमान है हमें गुनाहों से नहीं, उसने बताया टेलीफोन में जिन मुल्कों में जो अजीब किस्म के गुनाह थे, नाम लेता नहीं मैं, उसकी वजह से उन शहरों में अजाब आया फरमान, उसने कहा नाम लिया। तो हम गिबत जिना से बदतर चीज, हमारे लिए हलवा बनाओ मिसाल दे रहा हूँ अपने मुताबिक। तो गुनाह तो मेरे दोस्तों हो रहे हैं, ऐसे अचानक नहीं है। मौलाना इलियास साहब तो सब नाराज को कहते अचानक आ गया, फरमाए इल्हाद है। क्या कह रहे हैं ये मौलाना अबुदुल्ला सिंधी को फरमाए हजरत ये इल्हाद है, वो तो मिलन विराट को दावत दे के आए थे कि आप ये क्या कह रहे हैं, अचानक कोई चीज़ नहीं इस्लाम में, पहले से लिखी हुई तकदीर वो जाहिर हुआ। तो फरमाते थे मुझे मौलाना इलियास साहब ने कलमा सिखा, बड़े लोग थे हजरत आपस में एक सतह के थे, वो भी बहुत बड़े थे, शेखुल हिंद के शागिर्द थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग गुजरे, हमें सब चीज़ें रोड तैयार करके चलने पर बात। अब सुनना तस्दीक की हजरत, और बड़ा तस्दीक तो सिफत एहसान है, हर वक्त ध्यान होगा अल्लाह के, क्या मशवर देते हुए ध्यान हमको पता है कि मैं जाए जा रहा हूँ अल्लाह क्या मैंने मुझसे पूछे, जो ऐसे देते हैं सबको मालूम मेरी राय सबसे ऊँची है, और इंतजार करते अब ये क्या राय देगा, इसकी राय सबसे ऊँची। सब मेरे दोस्तों कंपनी है, ये तबलीग गैब का काम है। मौलाना उबैदुल्लाह साहब फरमाते थे मुनाफिकीन की राय के अंदर निफाक का असर था, हमारी राय में गुनाहों का असर था। डरते हुए राय दो, अल्लाह मेरी राय पे फैसला ना हो, कहीं शर ना हो जाए, हो जाए तो अल्लाह इसकी खैर डाल दे। पूछो ये पुरानी बात है कि नहीं, कहते थे नहीं आदाब में। मौलाना उबैदुल्लाह साहब सुना भाई अहमदुल्ला ने सब फरमा गए, और से सुनना तस्दीक हजरत, गैब की तस्दीक जब बढ़ेगी तो तकवा है। और से सुनना आपने तस्दीक की, दिल में नूर आया, ये नूर उन हुक्मों पे चलाएगा मौलाना से जो गैब से आए। अब मुझे ये अर्ज करना है, इस नौजवान को ये मालूम है पेट्रोल से गाड़ी कैसे चले मालूम है, लेकिन ईमान से गुनाह से कैसे बचेंगे ये वाजे नहीं। इस पे पीएनडी करिए, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किया फना, इस पे क्यों नहीं करते, इस पे बुद्धू क्यों हम, हमें बुद्धू सोचा ही नहीं, जरूरत ही नहीं समझी, ऐप देखते खुदा महरूम कर देते आदमी के, ऐप में तुमको नजर आ रहे हैं खुदा के बंदे, तुम हो तुम्हें क्या किया, तुम्हें भी आग लगे तुम्हें पता चले कि कैसे हंसते हैं। गौर से सुनना मेरे दोस्तों, अवामिर हज़रत अवामिर इलाही गैब से आए, नमाज रोज़ा हज ज़कात कुरान हदीस में, और शराब हराम सूद हराम गीबत हराम जिना हराम सब चीज़ें हराम गैब में है। तो ईमान बिल गैब की ताकत अगर बढ़ गई ये उन हुक्मों पर चलाएगा जो गैब से आया, ये ताल्लुक है।
हम रटते तो हैं ईमान से हुक्म पे चलेंगे, लेकिन रटी हुई बात से काम लेंगे जो इसका नतीजा है गलत। रटने से बचिए, इससे बड़ा बड़ा हमसे गलती हुई है कि अपने को अहल समझा औरों को अहल नहीं समझा। इसका नतीजा है सब चीजों की इस्तिगफार तौबा करना हो, अल्लाह से मांगना। हर एक आदमी अपना अपना गिन गिन के अल्लाह जो गुनाह हो के भूल गए ना, वो मौलाना थानी फरमाते सामने आएगा, दिखाएंगे देखो तूने फला जगह पर ये गुनाह किया, और अपने अंदर की मोटिवेट अंदर की हुक को भी देख तूने ये बोल क्यों बोला था। ताना की नीयत से किया तो लानत उतरती भाई। गुलाम मुस्तफा से फरमा दावत में ताना नहीं। मेरे दोस्तों गौर फरमाओ, ये अमानत है। हजरत ये वाजे हुआ ये ईमान बिलगैब कैसे बढ़े? आप और हम कहते दावत से कहते तो हैं, लेकिन हजरत मौलाना सईद खान साहब ने इसको खोला, फरमाया दावत क्या है? निजामे गैबी से मुतासिर करने का नाम दावत। सब बोलो निजामे गैबी से मुतासिर करने। ये हजरत का खत है मुंबई में भाई कासिम को लिखा, यहाँ मुतासिर होना नहीं कहा क्योंकि दावत में हुजूम है, दिफा नहीं है मौलाना। अरबों ने पूछा ये क्या बात कह रहे हैं, ये लिखा निजामे गैबी से मुतासिर करना, क्योंकि हुजूर से जब दावत देते थे पूरी ईमानी कैफियत होती थी, और दिल ईमान की कैफियत की जगह है, जबान से जाहिर होती थी, और अबू बकर सिद्दीक के दिल में एकदम तस्दीक बैठ गई। तो हुजूर ने फरमाया तुम सिद्दीक हो, ये हुजूर ने फरमाया, समझ में नहीं आ रही, कहते तुम सिद्दीक हो, तायद की ना मेराज में, हैरान हो गए मुशरिकीन मक्का कि अगर इधर अगर मोहम्मद कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर लसदक, हुजूर ने फरमाया तुम सिद्दीक हो, ये हुजूर ने नाम रखा उनका। और कल मैं सुनकर आया हूँ मौलाना लुधियानी साहब फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक के सहाबी होने की अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, नस से साबित है अबू बकर सिद्दीक जो है ना सहाबी है। और जैसे हुजूर को मईत मिली इन अल्लाह माना में, अबू बकर सिद्दीक को भी मिली है। ये मौलाना लुधियानी साहब के दो जुमले गौर से सुनना, खौफ नहीं कहा ला तखफ, अपना नहीं था हुजूर का गम था, इसलिए कहा ला तहज़न, इसमें बरात है सिद्दीक अकबर की रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तस्दीक की बरकत। और हज़रत उमर फरमाते एक रात ए अबू बकर आपकी एक रात हमारे मुझसे नहीं मेरे पूरे ख़ानदान से बेहतर है, ले तो अबू बकर खैर मिन आल उमर फरमाया। वही रात थी अल्लाह ताला दिखा रहा है, गौर से सुनना, तस्दीक बढ़ी, सिद्दीक अकबर बन गया। गौर से सुनना भाई, ये दावत से आएगा। हजरत माफ कर दीजिएगा, दावत में कष्ट करेंगे कि मैं दावत दे रहा हूं गैब को बयान करूं, अपनी नीयत से ये बातें करते हैं, निशाना बनाओ अपने को, डायलॉग बना रहे हैं। मौलाना यूसुफ फरमाते हैं औरों की नीयत की अपनी नकीत, औरों में ईमान आएगा अपने अंदर निफाक आएगा। भाई दो जानों के बैठे दोस्त, मैं काफी देर से बोलना चाहता था लेकिन परेशान हो जाता हूँ, ये इस तरह बैठने का बहुत जोर लगाइए, हमें मुश्किल से मिला है। मैं बड़ी उम्र वालों को नहीं कह रहा, नौजवानों को, हाँ इसलिए कह रहा आपको नहीं कह रहा, मैं बीमारों को नहीं कह रहा, ये हमारे नौजवानों को ध्यान से लो। दावत में हजरत बोल तो रहे घंटों लेकिन गैब की तस्दीक नहीं, इसलिए लफाजी हमको आई, डायलेक्ट बोलते रहते, रोक जमाते रहते, कानून बना के लोगों को तंग करते फिर रहे, इसका नुकसान हुआ। ये उसका क्या नुकसान हुआ कि जब गैब की तस्दीक नहीं बड़ी तकवा कमजोर, बकौल मौलाना रहमतुल्लाह के ना नमाज गुनाहों से रोक रहे ना हज गुनाहों से रोक रहे, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं अर्श के नीचे औरतों को देखकर, अर्श के नीचे फरमाते थे अगर बैतुल्लाह में गुनाह हो गया तोबा तोबा, फिर इनके दुआओं पर इनके मुल्कों पर अजाब आएगा। ये जो अजाब आया ना ऐसे नहीं आ गया अचानक, कौम आद ने रोने के लिए दुआ के लिए आई थी, गुनाह रास्ते में हुआ, दुआ की अल्लाह ने कौम को तबाह कर दिया। ये सब चीज़ों को समझने हमारा, अल्लाह आपको जाए खैर दे, इसकी बरकत से थोड़ा सा आपसे मुलाकात होगी, अमानत पहुँच। तो दावत में हजरत गैब को बयान करेंगे और अपनी नीयत से करेंगे, फ़ायदा औरों को होगा तो गैब की तस्दीक बढ़ेगी, फिर हुक्मों पर चलेगी। अब दावत में गैब को बयान नहीं किए, लफाजी कर रहे हैं समझा रहे हैं, उस पर ईमान बढ़ा नहीं तो सिफात ईमानी घड़ी टकरा गया। तो इसलिए मौलाना सीखा हुआ थे ख्वाहिशात वाले लड़ेंगे मुखलिस नहीं लड़ेंगे।
تو مساوی الہدیٰ بنیں گے, فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بنیں گے, بلکہ ان کی دعاؤں پر مخلوق کو روزی ملے گی, ہے نا. اللہم اغفر لمن پڑھنے والوں, گھبرانے کی بات نہیں, مرض کو پہچان کر نئے سرے سے محنت کیجیے, دوبارہ محنت کریں کہ اب آج سے نیت کریں میں دعوت دیں گے جنت کو, قبر کو, حشر کو, اللہ کی بڑائی کو, پل صراط کو, ایمانیات کو بیان کریں گے اپنی نیت سے, غیب کی تصدیق بڑھتی چلی جائے گی. لیکن جو پہلے کا مذاکرہ شروع کا اس کو ساتھ رکھنا. اور حضرت یہ بیان سے حضور نہیں سمجھایا, صرف بیان تو کیا حضور نے, بیان ہے نبی و کام, لیکن امتحان لیا خدا نے, خندق میں لے آیا, چاروں طرف موت ہے, ابھی آپ اور ہم کو کیا خوف ہے, ہنستے ہوئے مل رہے ہیں آپ, ابھی ناشتہ کریں گے عمدہ انڈے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, یہ خوف ہے ان کو, خوف تھا مولانا سکھا دوں کہ کلیجہ منہ کو آ گیا, اور اتنی سردی تھی کہ ہڈیوں میں گھس رہی تھی, مولانا ایسے بیان کرتے تھے معلوم ہوتا تھا ان کے ساتھ ہے, یہ ان کی خاص بات تھی, ہم میں یہ ہے نہیں. ان کو مولانا الیاس نے فرمایا تھا ان مقامات میں جا کر کتاب پڑھنا گھنٹوں, فرمایا گھنٹوں نہیں میں نے دنوں پڑھا ہے مولانا اس سب سے, احد میں جا کر, اب بدا بن نہایا, بدر میں جا کر, خندق میں جا کر, اس وقت کیا امتحان آیا, چٹان نہیں ٹوٹ رہی, حضور نے مارا پس آیت پڑھی بسم اللہ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات, اس نے علی مارا زور سے تین مرتبہ, دکھایا گیا ان کو کیسے رک سا, منافقین نے کہا بیٹ میں پتھر بنے ہوئے, بھوک اتنی لگی ہوئی ہے, خوف اتنا ہے, کیسے رک, اس طرح خبر دے رہے, ما وعد اللہ وسلم غرور, تصدیق غیب کی تصدیق کا انکار کریں انہوں نے, اس دن ظاہر ہوا نفاق, ویسے نہیں ظاہر ہوتا تھا, نماز میں ساتھ ہیں, مشورے میں ساتھ ہیں, جماعت میں ساتھ ہیں, کھانے میں ساتھ ہیں, یہاں ظاہر ہوا, صاحب آنے کا تم جھوٹے ہو, صدق اللہ و رسول ما زاد من اللہ ایمان و تصدیق, اللہ سچ ہیں, اللہ سچ فرما رہے ہیں اور حضور سچے ہیں, یہ غیب کی تصدیق کرتے ہی نظام غیبی حرکت میں آیا اور تین مدد آئی غیب سے, نعیم مسعود اسلام میں داخل ہوا, فرق بین یہود المشرکین حکمت سے, اور تیز ہوا چلی, ابو سفیان کے خیمے اڑے, اور حضور نے اس وقت ڈگری مارے, خبر نا کوئی بات نہیں, ہم یہ نا ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو, ایسی باتیں نہیں کرتے جو ہم لوگ کرتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے, فرمایا کہو اللہ مستر عوراتنا وامن روعاتنا, ڈرانے والی چیزیں بنی, یہ کیفیت ابدیت کی, اور فرمایا یا حضور کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم, یا مریح المکروبین یا مجیب المضطرین انظر حالی وحال اصحاب, فوراً جبریل علیہ السلام اترے, پلٹا کھا رہا ہے, ایک ہی ہوا ہے, صحابہ کے اندر سکینہ اتر رہا, سکون, اور میرے دوستو کافر ڈروب سے گھب, ابو سفیان خیمے اڑنے لگے, دیگے اڑنے لگے, اس وقت ہل جاؤ گے اگر خدا نہ خواستہ, اگر ہم نے ایمان نہ بنایا نا, کہ اتنی دعائیں کر رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا, یہ دیکھو سنا, ایک وہاں لڑکوں نے جب میدان میں گئے کہ فین اللہ مانا سرانا, کہاں ہے اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا, تو ایسے زبانی جمع کر تو مدد کریں گے بندے خدا, یہ کتنا خطرناک بول نکلا, مجھے تو معلوم نہیں علماء کیا فرماتے, کہاں نکل جائے گئے, ہم ڈرتے ہیں بولتے ہوئے, کافر ہو گیا فلاں, ایسے جلدی نہ کرا کرے, یہ مفتی کا کام ہے, ہم نہیں بولیں گے, بہت احتیاط سے وہ بولتے ہیں, تعویل کرتے ہیں ان کی باتوں میں کہ بھائی ایسا نہیں, جلدی اسلام سے نکال دیں, سمجھ میں آئے, ان کو کہنا پڑتا ہے, ہمارے نیا اس وقت دور کے لوگ ہیں نا, آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا, سنبھالنا ضروری, زبان کو سنبھالنا, امتحان لیا گیا امتحان ایمان کا, ابھی تھوڑا سا ہے تو نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, بھائی کوئی ایمان کی بات کی, ابھی ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں اور آپس میں کھانا پینا, کیا حال ہے بھائی, خیریت ہے, کچھ نہیں یار, کوئی مسئلہ, اس طرح کر کے نکل رہا, بھائی اس طرح آپ کا ملنا کیا ہوگا بھائی, یہ تو اور لوگ بھی مل رہے, تاجر بھی مل رہے, نہیں ہم تو ملیں گے ایمان کا, تعال نجلس نوم بربنا سا, حضور کا جدیدو ایمانکم کیف نجدد, تو حضور نے علاج بتایا اکثر لا الہ, یہ اس طرح ملنا ہے کہ ہمارے اٹھنے سے اس چند چند منٹ بیٹھے ہم, ہمارے ایمان بڑھ گئے, آخرت کا اللہ بڑھائے آگے دل میں, تصدیق بڑھ گئی, یہ بیٹھنا ہو, فائدہ ہوا بھائی, تھوڑی سی آپ قربانی سے بیٹھے نا, راتوں کو اکثر نیند نہیں آ رہی, میرے وہ بھی نہیں آ رہی, اللہ اللہ تو معاف کر دے, میرے دوستوں یہ قربانی سے بیٹھنا اللہ کو پسند, گھبرانے کی بات, مولانا فرمایا کرتے تھے مدینے جا رہے ہیں نا,
उन्होंने बदर के बाद मोड़ आते हैं, अगर ना आए तो मदीने के रास्ते पर नहीं, दावत काम करते हाल नहीं आ रहा तो वजू के रास्ते पर नहीं। अब जो हाल आया अब ये पक्का हो, ये वजू सम का रास्ता है, घबराने की बात नहीं। साहब ही कहते हैं रसूल आपसे मोहब्बत है का सोच के कहो, रसूल आपसे मोहब्बत है, फिर तैयार हो जाओ, तुम पर फकर ऐसे आएगा जिससे ढलान के ऊपर से पानी गिर। मौलाना असलम साहब कहते थे तुम मोहब्बत करोगे ना जो हाल इस पर आया इस पर आए, हुसैन पर जो हाल आया साहबा पर आया। तो इस सोच समझ के चलने का रास्ता है, बातें करने का, हंसने का, एक दूसरे से मजाक करने का। मुझे बड़ी तकलीफ होती, मैं रहता तो शहर में, मुझे बाज़ जगह वो बड़ी तकलीफ होती। अभी साथी इतनी मुशक्क़त में चिल्ले में गए थे बेचारों को, पता नहीं कितने मुजाहिदे, मैं सुना था नहीं आपको बोझ हो जाएगा। यहाँ आकर एक साथी ने कहा आपको बहुत जल्दी चिल्ला पूरा, मजाक की आदत है, जबान देखो जबान पढ़ना चला दे, कैसी बातें कर, बेअदब। बजाय तसल्ली देने के जैसा हुजूर ने कहा ये फर्रारून नहीं कर्रारून है, कहा नहीं, और तुम उल्टा बोल रहे मजाक कर रहे। इस दरमियान में माफ़ी चाहता हूँ, बोलता हूँ अपनी आदत को बदलिए, ये वक्त मजाक का या रोने का, गले लगाओ तसल्ली दो, तुम्हें पूरा अजर मिला। हमारे मस्जिद के नौजवान 10 दिन के लिए तैयार, फिर 3 दिन में गए, उनको 1.5 दिन में लौटाया मसलन, हमने कहा तुम्हें पूरा अजर मिला। भाई तुम क्या कर रहे हैं, अल्लाह क्या उनका शुमार हो गया, तुम कौन हो बोलने वाले, चिल्ला हुआ नहीं, जबानों को संभालिए, क्या तरीका है, तसल्ली देने की जरूरत है, उसको कितना गम है, वो कैसे रोते हुए आए हैं, अब गले लगाइए, हमको इस्तेमाल करो, भाई तुमने ये वक्त दिया है, इसको भाई गश्तों में तालीमों में तुम्हारे अल्लाह के रास्ते से आए हो, लोगों से मिलोगे, उनका ईमान बढ़ जाएगा। और मैं देख रहा हूँ उनकी बातों से हमारा ईमान बढ़ रहा है। मैं दरमियान में इसलिए कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, खुदा के लिए वक्त अल्लाह से मांगने का, तौबा का, नदामत का, और इन चीज़ों का नहीं है, ऐसी बातें करने मजमूनों को बयान करने का। अब ये बात वाजी असल हमसे चूक जो हुई है, दावत में हमने रैप को नहीं बयान किया, तो ईमान तस्दीक में कमजोरी आई, तो फिर ये आगे नतीजे आए, अमाल बिगड़े, अमाल जब बिगड़े तो आपको मालूम है हालात कैसे। हजरत मौलाना ईसा फरमाते हैं अफराद के हालात अमाल ठीक होंगे, इज्तिमाही हालात ठीक नहीं होंगे। जब इज्तिमाही अमाल आम लोगों के अंदर आमाल ठीक हो तो अल्लाह आलमी हालात को ठीक, वरना अगर खबासत आम हो गई और चंद लोग नेक हैं सब पर अजाब आए, वहाँ जुदा कर देंगे अल्लाह इन अल्लाह वालों। ये जुमला मत करो इधर ओमा नहीं आएंगी फला, इस तरह के बोल लेते पसंद नहीं है अल्लाह। साहबा इकराम ओमा में इंतकाल कर गए, तुम कौन हो यार, अपने सुनारे मजाल करते हैं फला करते हैं, बोलने का अंदाज देखो यार। अभी लाइव रूम में था ना तो मैंने अमीर साहब हमारे थे, हमारे साहब ये जो आए मैंने इनको इनको इस्तेदाद के मुताबिक डोज दीजिए, आप आगे से देंगे ना समझान, उन साथियों को मैंने कहा आप समझाइए, हिम्मत को मलाल कहते हैं हम पर क्या बीमारी है, ऐसा नहीं कह रहे, हम दुआ मांग रहे हैं, हुजूर की दुआ में ये ताकत है, और इंशाल्लाह उम्मीद रखना चाहिए। देखो वजू करने के ये फ़ायदे हैं और नमाज के ये फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो अल्लाह हमें भी बचाएगा आपको भी बचाएगा। इस तरह अल्लाह पसंद नहीं करते बड़े बोल, ये क्या बोल रहा है। बस मेरे दोस्तों अल्लाह मैं तो सबसे पहले अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक और इस्तिगफार की सारी हिम्मत, मौलाना फरमाते हैं इस्तिगफार तो करते हैं तौबा नहीं, ये तो कहते हैं अल्लाह माफ़ कर दे, ये फैसला करना आइंदा नहीं करूँगा, ये तौबा है। फरमा तौबा करते भी तोड़ देते हैं अरफात में, कहा अल्लाह मैंने ज़मीन दबाई दे दूंगा, पैसे दबाई दे दूंगा, भेलों के विरसे दे दूंगा, थोड़ी देर में कह दे दूंगा तो मैं कहाँ से खाऊंगा, वही तौबा टूट जाता अरफात में। ये मौलाना फरमाते थे, मौलाना अजीब कहते थे एक लड़के ने चोरी की, उसको मारा, तो उसको जब मारा ना माफ़ कर दे, बोला बोलो चोरी नहीं करूँ, बोले चोरी तो करूँगा वरना कैसे खाऊँगा, गलत यकीन की वजह से तौबा नहीं कर सकता, फिर और ज़ोर से मारा, उन्हें अब नहीं करूँगा, तो अल्लाह मियाँ समझिए अभी भी तौबा की कैफियत नहीं, तो कहीं और लंबा ना आ जाए। होश के साथ सुनिए, मेरे दोस्तों बहुत तौबा का अल्लाह को तौबा
अभी देखो मुझे खबर दी भाई समीउल्लाह ने कि बांग्लादेश के लोग वल्ला वाले जो उन्होंने दी मैं बता बांग्लादेश के लोग मैदान में आ गए औरतें मर्द दोनों को मांगो उधर नहीं आई बीमारी का वो बता रहा मैंने कौम यूनुस बाहर आ गई थी और रोई तो अल्लाह ने उनको तो हुजूर को उम्मत ही अगर रोएंगे तो क्या हो हाँ मौलाना ये कहा मैंने जो सुना मैंने आपको अर्ज करने से पूछ लिया ये तो उनकी बात तो अपनी जगह ये कुरान में है जब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जब रोई है तो क्या हुआ आने वाला अजाब टल गया हजरत तानी फरमाते अजाब को नहीं देखा था अजाब की खबर पे तौबा की है अजाब देख रहे तो तौबा कहाँ से होती काबिर की कब्रों को रूप से भरे आप लोगों की तवज्जो मनसब इस पर होनी चाहिए मैं बहुत परेशान हूँ किन किन चीजों में पड़ गया इस पर लगाइए जोर इस पर जरूरत इसकी कोई मना नहीं कारोबार इससे लेकिन ये जरा थोड़ा सा ख्याल की जो नेमत अल्लाह ने दी है ना इस पर लगाइए इल्म तो किताब से भी आ जाएगी लेकिन सोहबत से समझ आएगी फरमा और खिदमत करोगे तो उसके दिल से दुआ निकलेगी तो दीन की समझ आ जाएगी आप सहाबा इकराम देख लो जिनको बड़े बड़े हैं वो खिदमतों में हमारे सारे अकाबिर ने खिदमत के लाइन से तरक्की मैंने तमाम बुजुर्गों जिन बुजुर्गों को देखा दस्तरखान पे खिदमत देखा फिर जाके हजरत मौलाना इनाम साहब तो मैं खिदमत में था लोगों ने मुझे हजरत जी बना दिए रोते थे भाई अब्दुल कय्यूम कहते मेरे सामने आके बैठे ऐसे उकड़ू और ये कहा कि मैं भी खिदमत में था चाय लाते थे मौलाना ने कहा कुछ पढ़ने दिए फरमा कुछ सवाल करो खड़े खड़े नौजवान थे ना कांधे लगे लोग बड़े अजीब होते सवाल किया खड़े खड़े जवाब दिया था मौलाना अलीमिया को इत्मीनान हो रहमतुल्लाहार लोग थे ये बहुत अल्लाह ने दिया था ये मैं तो मुझसे हैरान हूँ कैसे कुरान हदीस पे गौर किया एक मनहज अल्लाह ने कुरान कुरान हदीस पे तो सब गौर करते हैं लेकिन उनसे मनहज का इस्तेमाल कर एक अरब ने कहा कैसे अल्लाह ने उनको समझ जमातों में निकाल के तरबियत की ये मैंने मौलाना सईद खान साहब सुना था मेवातियों की जमात निकली चिल्ले की हजरत ने और तरकीब दी कि तुम्हारी सहाबा की नकल हो जाएगी तो निकले भूख लगी अमीर साहब बेर का दरख्त है साथ ने कहा भाई बेर का दरख्त तो है लेकिन माली है मालिक थोड़ी है मैं आगे चले माली ने जाकर खबर दी बोरी लेकर आए मालिक कह दिया फरमा नहीं लेंगे पहले जमात में निकले अब मौलाना सईद खान साहब फरमाते तवक्कुल पे निकले थे रास्ते में तकवा आया आगे इस्तिग़ना है ये निकलने का तरीका था तरबियत और हमारे किसी कोने में जहन में नहीं हज़रत मैं चाहता हूँ उस पर आ जाए कोई घबराना नहीं है हो गई अब आप दोबारा मेहनत करें वह दोबारा ईमान की मेहनत करें दोबारा तकवा पैदा करें जितना है उसका शुक्र करें आगे की ओर करें सहाबा की तबलीग सहाबा का ईमान अंबिया का ईमान अंबिया को डराता था हमारी तबलीग हमें मुतमईन कर रही सहाबा डरते थे नाफ़ान और हमको मुतमईन कर दी लोग हमारी तारीफ करते थे क्या अजीब बात है क्या आपका चेहरा नूर इस तरह की बेचारे प्यार में कहते हैं और हम अंदर से मौलाना फरमाते थे किसी कुर्बानी पे कोई तारीफ कर देना अंदर से तुम खुश हो गए तुम्हारी कीमत यहीं लग गई आखिर में कुछ भी सब बातें कह गए ये तो किसी बुजुर्ग की बरकत से अल्लाह मुझे याद दिला रहा वरना इस दिनों में ये कैसे मुदाकर का ये वाक़ा का मुदाकर अल्लाह वाले बैठे होते इनकी बरकत होती मौलाना फरमाते सुनने वालों की बरकत से मुतकल्लिम कहते हैं उनकी इखलास उनकी सच्चाई की बरकत से तौफीक होती मुतकल्लिम लेकिन परनाला में परनाला है उस पर गोबर है अस्तग़फ़िरुल्लाह गुबार है या कोई और है चीज़ है तो बारिश तो पाक है साफ है क्योंकि अगर उधर से गुजरेगा तो गुबार के साथ हो तो अगर इल्म मुंतकिल आप में हो रहा है और मेरे अंदर गंदगी है तकब्बुर उजुब जो भी है बुरा आखिर तो मुंतकिल होगा बुरी सिफात के साथ ये अगर पाक होगा तो सही चीज़ मुंतकिल होगी मुअल्लिम को होना चाहिए यदि बच्चे सही हो जाए स्कूल में अरे भाई तुम इंजन तो सही करो डब्बे खुद सही हो जाएंगे उसकी फिक्र ही नहीं हो रही तरबियत करते ना बच्चों की इनकी कौन करेगा तरबियत मेरी कौन करेगा अल्लाह कभी ये मतलब मांगना मत
لمیہ میں جماعت جب میری اصلاح فرمائی, دوا خانے میں داخل ہو گیا تھا. میں نے کہا یا اللہ بغیر عافیت سے تو دے دے ہمارے بس کی نہیں. ہاں پھر اللہ کرتے ہیں اصلاح, عجیب مسلط کرتے تھے لوگوں کو. میں نے کتابوں میں پڑھا لا تسلط عینا, تفصیل کرتے آگے میں ولا بارن ولا فاجرن بار. نیک آدمی مسلط ہوتے کہ ہاں بعد میں پڑھتا نیک آدمی بھی تمہارے دینی کام میں رکاوٹ بن جائے. مانگنا اللہ سے یا اللہ تو بچائی تو بچائی, ڈرتے ڈرتے چلنا. اس وقت اس کا وقت ہے جو گن گن کر اپنے غلطیوں کو بولو یا اللہ معاف کر یا اللہ معاف کر یا اللہ معاف کر, تو پھر اللہ پاک کریم ہے, ایسے معاف کریں گے حضرت, معاف تو کریں گے اس کی جگہ پر نیکی لکھ دیں گے. اور کب کہنے سے پہلے یا رب کا حدیث مانے, یا رب کہا ابھی نہیں کہا مجھے معاف کر, اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کیا. ایسے اللہ اور میں اگر آپ مجھے کوئی میرے سامنے میں نے غلطی کی نا آپ نے, آپ نے کہا مولانا معاف کر, میں نے کیا, لیکن آپ کے ساتھ پہلے والے معاملہ نہیں کروں گا. لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا جب آدمی گناہ کر لیتا ہے غلطی پھر کہتے ہیں اللہ میاں معاف کر, تو اللہ پہلے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ الغفور الودود, وہ الغفور الودود, وہ الغفور الودود. مشکل یہ باتیں آدھا گھنٹہ ہو رہی, اور وہ جو دوسری خبریں 23 گھنٹے سنتے ہیں گھر والے بھی, تو ہمارے دل میں کیا اترے گا؟ وہ پھیلاتے الگ ہیں, یہ ہو گیا یہ خبر آئی. تو منافقین کا طریقہ تھا خوف کو پھیلانا, ہماری تو نہیں بولی بدلی. بہت بڑے بزرگ آئے میرے مسجد میں, میں نے بولا نا ہماری بولی نہیں بدلنی چاہیے اس موقع, بالکل صحیح, اللہ کرتے ہیں اللہ کے لیے اس کو بولنا چاہیے. رحمان صاحب خط آیا, ایسا زبردست خط ہے, معلوم ہوتا ہے وہ 40 سال پہلے لوٹا دیا, اور بالکل ایسے لگتے سر آئی صاحب یادرات بول رہے. ہاں خط ہے زبردست, تکبر نہیں اس میں, بتایا ہمارے سے کیسے اللہ کریں گے, حالات اللہ ٹھیک کریں گے, سب اللہ کی طرف. بیت اللہ کا خطبہ بھی یہی ہوا کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے آیا, ایک اللہ اس مصیبت کو دور کر سکتا, کوئی نہیں دور کر سکتا. کہا ہم احتیاط کر رہے ہیں شرعاً, باقی کوئی چیز دور نہیں کر سکتی اس بلا کو. جوانی نے جمعے میں بولے صاحب یہ بڑے لوگ ہیں تم ان کو کیا سمجھتے ہیں, ہم جتنی احتیاطیں کر رہے ہیں کسی کا اثر لے کے نہیں کر رہے ہیں, ہم شرعاً کر رہے ہیں. وہ بتائی آئے حیران ہو گئے استنباط کیا انہوں نے. میں شیخ کا امام کا کہہ رہا ہوں, میں خوبی دیکھو بھائی کیا مصیبت آگے چلے. اب میرے دوستو یہ بات واضح ہوئی, اب مسئلہ یہ جو کہنے آیا ہوں, میں ایک دن وہاں بیت اللہ سے پرائیویٹ پہنچا تو وہاں جمشید صاحب کھڑے تھے, السلام علیکم. وہ سمجھ گئے تھے حالات سے آئے, کھڑے کھڑے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دو حالات آئے, مکی حالات یا مدنی حالات. دنیا میں ساری دنیا میں یا مکی حالات یا مدنی, بعض مسجدوں اس زمانے میں اب تو ایک حالات ہو گئے تقریباً, اللہ بچائے. مکی حالات جن ملکوں میں مکی حالات ہیں حضور کی مکی زندگی اختیار کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم, اور جن ملکوں مدنی حالات ہیں حضور پاسم کی مدنی زندگی. حالات تو مکی اختیار کریں, مدنی زندگی اس کی محنت قبول نہیں ہوتی. کھیل کود کا نام نہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ بات تو اتنی اتنی ہو گئی, اب تم اب مولانا یہ بات ہوئی نا, اب مولانا سید خان صاحب کہتے ہیں مکی زندگی کیا ہے, اللہ ان پہ یہ کھولا. ہاں بہت غور کیا, فرمایا انفرادی دعوت چھپ چھپ کے حدیث میں مستخفی ہے. بھائی سمجھ میں آ رہا نہیں, تم حضور سے زیادہ بہادر نہیں ہو. مستخفی فرمایا انفرادی دعوت چھپ چھپ کے, تعلیم دار رقم میں اور مشورہ, یہ فرمایا. حضور کی زندگی اتنا کمال درجے کا ہے کسی حال میں بھی آپ دعوت سے رک نہیں سکتے, دونوں حال میں حضور نے کر کے دکھایا. آپ کے سامنے جو حال ہے اس کو کر کے آرام سے کرو, بلکہ جو مکہ مکرمہ میں مسلمان ہیں اس کے درجے کو قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکا. پہنچ سکا صدیق اکبر, مہاجرین کوئی پہنچ سکا, تم کیا کر رہے ہیں؟ اور استدبار کا جو دور ہوتا ہے جو حال ہے اس میں اخلاص اللہ دے دیتے, اور استقبال کے دور میں خاص مسئلہ شہرت کا جذبہ یہ ہے وہ انگلی اٹھا رہے ہیں فلاں ہیں. مولوی صاحب بہت یہ حضرات کہہ چکے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو لوگ ان کو سلام کرتے ہیں رگڑے بہت کھائے پیدل جماعت بھائی نور محمد کے ساتھی ہیں, بہت رگڑے کھائے ایسے لوگ نہیں ان کو اکرام کرتے, اللہ حفاظت کرے. میں ویسے عام بات کر رہا ہوں,
बहुत बुजुर्ग अभी भी लोग बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं हजरत, हमें रोना नहीं आता। उन लोगों को पूछो जिनके साथ लग रहे थे वो और अल्लाह बहुत काम ले रहे हैं। अल्लाह सबसे राजी। हालात मक्की हैं, इख्तियार करें मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी की चंद उसूल है हजरत। पहला उसूल, हर वो चीज़ जो निगाह में लाए चौकन ना करे, सवाल पैदा करे, उससे बचो। ये भाई फलरीम सब फरमाते हैं। और आयत पढ़ते थे, वले तलत्तफ वला इशरन बिकुम अहद, इन्नहुम यज़ुरु अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़ा अबदा। और कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़रकुम, क्या अल्लाह मखलूक से डरते हैं? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमें अल्लाह हुक्म समझ में नहीं आता, और हुज़ूर का तरीका समझ में नहीं आता। जबान से कह रहे हैं हुज़ूर के तरीकों में कामयाब, इसमें क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि नफ्स के खिलाफ है, तबीयत नहीं चल रही, तरबियत नहीं हुई। हिम्मत रखिए, कोई मसला नहीं। दाई हर हाल में, हर वक्त, हर जगह, हर एक को दावत दे। ये मैं फरमाते थे मौलाना सीद खान, हुज़ूर ने हर हाल में काम करके देखा। मौलवी साहब गौर से सुनना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी मुबारक, ऐसी कमाल की जिंदगी थी, कमजोर ईमान वाला भी हुज़ूर की इत्तिबा कर सकता। कमाल ईमान वाला भी, कमजोर ईमान वाला, ये नहीं कि भाई ये तो कर सकते हैं, हम भी कर सकते। ऐसी जिंदगी अल्लाह ने, घबराना नहीं। तो उसूल, पहला उसूल, हर वो चीज़ जो निगाह में लाए चौकन ना करे, उस सवाल उसे बचो। ऐसा काम कोई मत करना जो काम को नुकसान पहुंचाए। आगे फरमाया मौलाना सईद खान साहब, फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्की जिंदगी में मस्जिद हराम में बयान करना साबित नहीं। क्या कमाल कर दिए। हम और आपके ध्यानों में चंद चीज़ें बैठी, जब तक मस्जिद में नहीं होगा तबलीग है नहीं, और तबलीग बंद हो गई और सुनो किसी जुमले बोलते हैं, कमाल है। आप बताओ मौलाना शेब अभी तालीम में हुज़ूर ने क्या किया होगा? हिसार किया था घाटी के अंदर, कितनी तकलीफ हुई है। हजरत खदीजा रहा के कपड़ों में पेवंद आ गए, ये नहीं कहा आपसे मैंने क्या शादी की मैं तो मुसीबत में, नहीं साथ दिया। बताओ हजरत खदीजा ने कौन सा, कहाँ गई थी 3 दिन के लिए? कितना बड़ा मकाम है पूरी उम्मत का। एक तरफ रूए जमीन पे सबसे पहले ईमान हजरत खदीजा लाई, और रूए जमीन पे सबसे पहले दावत हजरत खदीजा ने दी, और हजरत खदीजा के जरिए से उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हा सब लोग बने, और उसके बाद है तुम्हारे फारूक मुसलमान हुए। दो औरतों की फिक्र पर है दुश्मन दिलानो, खाला की फिक्र पर है तुम्हारे दिलानो, बहन की फिक्र पर मुसलमान। तो मस्तूरात से कहो आप डर क्या रहे हैं, परेशान क्या हो रहे हैं, उसको बंद करो जो घर में चल रहा है। अपने बच्चों को सुन्नत के मुताबिक पहनाओ। हम यहूद नसारा को गालियां मांगते हैं, उनके तरीकों से मोहब्बत है, हुजूर से मोहब्बत का दावा, उनके तरीके पसंद नहीं आते, और क्या चाहते हैं आसमान से क्या उतरे। नफ्स पे चलना का नाम नहीं। जो किया खदीजा ने आप कीजिए, एक एक को दावत तालीम करें, जिक्र। मौलाना उबैदुल्लाह साहब फरमाते थे जो आयतें उतरती थी उसी को लौटाते, ये जिक्र था खूब बड़ा ये, क्योंकि सालों से जिक्र हमने पूरा नहीं किया, अब कजा का वक्त आगे कर लिया। ये अपने बारे में मैं कह रहा हूँ, इधर मुतवज्जे हो, इधर उधर न देखे भाई, बच्चों की तरह बड़ी मेहरबानी होगी। अब इनके लिए तो बड़ा मुश्किल है, शुरू का सुनना नहीं, क्या करेंगे आप बता देना। समझ गए, ये मक्की जिंदगी देखो, देखो ना कैफियत बदल गई। इधर से आप गए ना एकदम आ रही थी, सब खत्म हो गई। ये मेरे को बड़ी मुश्किल है मेरे लिए। हदीस में आता है अल्लाह ताला मुतवज्जो होते हैं नमाजी की तरफ, वो जब 3 मरतबा फिर अल्लाह तवज्जो हटा लेते। ये आप क्या समझते हैं इधर देखने से क्या नतीजे? मौलाना जमशेद साहब को क्या कर दिया इधर, जरा भाई आखिरत बिगड़ गई, इस तरह का जुमला अजीब जुमला, डरता था हजरत को महसूस होता था। बहुत अजीब आदमी थे हजरत, जिंदगी में तो पता चला नहीं। वो जो मजे में पढ़ते थे ना वल्लदीन, मजे में नहीं पढ़ते थे, उनकी पूरी तबलीग पूरा दीन का खुलासा इस आयत के अंदर। बोले साहब आपको मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप लोग भी वो मजे लो। अल्लाह मक्की जिंदगी का उसूल जी, फरमाया हुज़ूर सदन ने मक्की जिंदगी मस्जिद हराम में बयान नहीं की, कोई बात नहीं करिए बाहर। ये बताओ सिद्दीक अकबर दोनों कहाँ मुसलमान, मस्जिद में हुए?
حضرت عمر فاروق کہاں مسلمان رضی اللہ عنہ، بتاؤ نا بھائی، حضرت عثمان غنی کہاں مسلمان ہوئے؟ خالہ کے گھر میں. اور تمہارے ہمارے دماغ میں اگر نہیں بھائی ایسے نہ ہو، مصعب بن عمیر جب مدینہ طیبہ تشریف لے بھیجا ان کو سال کے لیے، اوئے ہائے، ایک مسجد نہیں تھی، حضور پاک کی ذات مبارک مکے میں تھی، محنت کی انہوں نے، کبھی جاتے تھے، وہ جگہ ہی موجود ہے مدینہ طیبہ میں، بقی کے پیچھے درخت ابھی تک ہے، وہاں جاتے تھے، وہاں آتے تھے لوگ یا جاتے تھے. یہ فرمایا، اب فرمایا کوئی گھر انصار کا ایسا نہیں ہے اسلام داخل نہ ہو. مولوی صاحب سارے نمونے ملتے ہیں. کیا ان کا ٹھیا تھا؟ درخت تھا. اور ہمارے ذہنوں میں چونکہ شکل مخصوص ہے، ذرا سا حال ہے طبیعت نہیں چل رہی، دعوت کیا کر رہے ہیں، کیا بھائی کیا کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے، کہیں بیویوں کی دعا نہ لگ گئی ہو کہ گھر میں بیٹھتے نہیں، اب خوب بیٹھنے کا موقع مل سکتا ہے. مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے، اب گھر میں محنت کر لیں، مہربانی کر کے زور لگا لیں بچوں کو. یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی طرف سے اللہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس پہ بھی لگا لے زور. جب حجاز میں حال آیا تو اللہ نے چاہا کہ برابر کے جتنے ملک سب تبلیغ، سب میں قوت آ گئی، ورنہ وہ دھیان ہی نہیں دیتے تھے، جب جاپان جا فلاں جگہ جا، یہاں پتہ لگا نہیں بھائی ادھر بھیج. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. میں تو بزرگوں سنو بتا رہا ہوں، ہم نے کوئی گھلتا نہیں. ایک بار تو میں نے مولانا بھائی غلام محسن صاحب کہہ دیا، میں نے کہا حضرت دیا ہے پر میں ہم پر کچھ نہیں کھلتی، جو کھلنا تھا کھل گیا. اللہ ایک ہی مرتبہ مجھے انہوں نے یہ بات کر دی نا، بس لوگ تھے جی فوراً مجھے کہنے کا کھاؤ، تو میں فروٹ کھانے لگا پیار سے، بسم اللہ پڑھ، ایسے زور سے، ایسے لگا مجھے مانیں گے تھپڑ، بسم اللہ پڑھ کا کھانا کھاتے پانی پیتے بسم اللہ کہتے ہیں، فروٹ کھاتے بسم اللہ نہیں، چائے پیتے بسم اللہ. تو دین کا ہے، دین کی باتیں ہیں، چاہتے ہیں مدد آ جائے وہ دین پر جو آتی. بہت دھیان دیجیے گا، بہت رونے کا وقت ہے، لوٹنے کا وقت، گھبرانا نہیں. بھائی امین صاحب سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ، ہمارے دوست ہیں یہاں، بھائی امین صاحب، بھائی امین صاحب بیٹھتے تھے صبح کے وقت میں 10 بجے اپنے مطبخ میں، ادھر تو لوگ آ کے ملتے تھے، پان کھاتے رہتے. فرمایا کہ جب دین دنیا دار پریشان ہوں گے نا، ان کو سکون دین میں ملے گا، لیکن جب دیندار پریشان ہو جائے تو بڑا آرام کا حضرت. پھر فرمایا ان کو اذکار مسنونہ کی پابندی میں سکون ملے گا. مولوی صاحب مجھے نظر آ رہا ہے، مسنو دعاؤں کا اہتمام کرو، ماننے پہ تدبر کرتے ہوئے تصدیق کے ساتھ، واللہ العظیم برف اترے گا دل میں، ایسا سکون. سکون کے معنی نہیں کہ امت کا درد ختم ہو جائے گا، تو اور بڑھے گا، ایک عجیب کیفیت ہو. یہ ایسی بات ایسی تھوڑی کر کے اللہ نے کہلوایا. میں تو آپ کو عرض کروں، اس وقت فضائل اعمال اور فضائل صدقہ جو پڑے گا نا، آپ دیکھو گھر والوں کی کیفیت بدل جائے گی. اور مجھے جو حیات صحابہ آخری جلد 3 کو پڑھ رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ حضور نے یوں دعوت دی، ابو بکر صدیق یوں دا، تمام کی دعوت کا ذکر ہے، یوں نصیحت کی. مولوی صاحب پڑھ کے آپ دل ٹھنڈا ہو جائے، آپ کا ایسا سکون آ جائے، معلوم ہوگا ہم نے زندگی بھر دعوت نہیں دی، معاف کرنا. یہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں بڑا وہ افسوس کہ اللہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، ہمارے ساتھیوں کا سننے کا قصور ہمارا ہے، ہم نے پہنچایا نہیں ان کو، ان کا کیا قصور، تو ساری زندگی دے دی، ادب سے سن رہے، جو کہو کرنے کے لیے تیار ہے، ان پہنچانا تو صحیح. تو میرے دوستو تھوڑا سا غور سے سن، مکی زندگی کا اصول تیسرا، حضرت جی فرماتے رہے مولانا انعام صاحب، فرما کام خوب کرو، جتنا احتیاط ہو سکے احتیاط. اور یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا بھائی فلم، مرکزیت شخص کی اور جگہ کی خطرے سے خالی نہیں. فرماتے تھے مسجد میں جماعت ہو رہی، کبھی امام کون ہے تو کوئی نہیں، کبھی حضرت پڑھا دیتے ہیں، کبھی یہ پڑھا دیتے ہیں، کبھی یہ پڑھا دیتے ہیں، ایسے چلو. سمجھ میں کیسی کیسی باتیں فرما گئے. ہاں صفا ابو ذر ابو بکر صدیق نے کیا ہے مسجد حرام میں اجازت لے، لیکن اتنا مارا کہ چہرہ ورم ہو گیا. اگر تم بھی ابو ذر ہو تو ضرور کرو بھائی، ہے کوئی مائک لال، ایک انڈیا والا تھا وہاں دمام میں، کہتا میں ابو ذر ہوں. میں نے کہا بھائی تم ہو سکتے ہو، ہم لوگ تو نہیں. ارے بابا ان کے خواب کو نہیں پہنچ سکتے، کیا باتیں کر رہے. تھی بڑھتا جان دی پھر بھی کہتے میں تیار ہوں. رخصت کے ساتھ چلو. کیوں دعوے، مولانا نے صاف فرمایا تھا جو توکل کے دعوے کیا کرتے ہیں ان پر امتحان آتے ہیں.
ہر بال کو غور سے سننا جو مجھے فائدہ ہو میں نے آپ کو پہنچایا, اللہ یاد دلا رہا ہے. سب کہہ گئے پہنچانے والا جی گھبراؤ مت, بول سے بچے, بڑے بول سے. ساری دنیا میں لڑایا مارے نہیں ہے, یہ مت بولنا, یہ بولنے کی وجہ سے پکڑے گئے. میں بتاؤں گا خود, صبر کرو. مجھے یاد دلانا کہ یہاں سے نکلے گی درود شریف پڑھو, اصول یاد رہے. یہ بھی کہا تھا خوب کام کرنا بغیر تنظیم بغیر شہرت کے, بغیر تنظیم بغیر شہرت, منظم کام صحیح, شہرت صحیح, کارگزاری. ہم ایک مرتبہ ہم عمان گئے تو ہم لوگ تو مسجد کا حال لیتے تھے تو فوراً سمجھ میں آتا تھا مسجد میں کام کمزور. ایک ہمارے پیچھے جماعت ساتھی آئے, انہوں نے پورے ملک کا حال لے لیا, کتنے ہزار تین چلے والے, کتنے چلے والے, وہی حال آ گئی. میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے, مسجد کا حال لو آپ پورے ملک کر لے رہے, پتہ نہیں کہاں سے سیکھا آپ نے, کاغذ پہ جمع کر. ان کو ہو گئے تو بہت ہو گئے بھائی, اس کام کی سادگی, اس کام کی سمجھنے کے لیے حجاب بنی ہوئی. حضرت غور کریے, بہت ہم چوک کرتے ہیں, ہمیں خبر نہیں. میں بغیر شہرت ہی کیجیے اللہ دیکھ رہا. اور عجیب بات بتاؤں مولانا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی, کوئی جیسے ہوتے نا بڑا بڑا ہال کے اندر لاؤ بھائی ٹوپا پہنا اور یہ نہیں ہوتا ہے, جو کچھ کیا دیتے ہیں نا منصب تو کیا بول کرتے ہیں, نبوت ایسے نہیں لکھا ہے, یوں مل جاتی راز. موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی, حضور کو جب ملی غار میں ملی, یہ ہوا کہ بھائی جمع کرو اور یہ میں یہ بنا رہا ہوں, یہ کام کا مزاج ہی ہے, لیکن آتی نہیں دماغ میں غور کرنے کی تدبیر. مولانا بھائی غلام مصطفیٰ صاحب فرماتے تھے جوش ایمانی جذبے کا نام ہے, ہوش حضور کی اتباع کا نام ہے. کسی کے جذبے کو ختم نہ کرے, نوجوان ہے اس کا دل چاہ رہا ہے, بولو بھائی ضرور کرو لیکن حضور کی اتباع میں کرو. احتیاط خوف کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا, کوئی خوف نہیں, اتباع سنت میں کرے تب تو ہدایت کا وعدہ ہے. اگر نفس پہ چلے اور اپنے عقل پہ چلے کوئی ہدایت کا وعدہ نہیں, وقت ضائع نہ کرے, چاہے جان دے دیں کچھ بھی ہدایت نہیں آتی. تجربے کام وہ ان تو تحتدو قرآن میں. میں سوچتا ہوں یہ بعض مرتبہ مجھے غصہ کہ تم کھانے پینے میں تو یا کپڑے پہننے میں تو حضور کی اتباع, حضور کی محنت میں اتباع کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اب عادت بنائیے. واضح ہو رہا ہے آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے, الٹی ساری چلتی پھر انجن خراب سب خراب, آپ صحیح چلیں گے سب صحیح چلیں گے. یہ امام حنیفہ کو بچے نے کہا, حضرت تھوڑا سے پھسلے, کہنے لگے امام صاحب سنبھل کے چل. نہیں امام حنیفہ نے بچے سے کہا بیٹا سنبھل کے چل, کہا امام صاحب میں تو سنبھل گر جاؤں گا کوئی بات نہیں, اگر آپ پھسلے تو پوری امت جائے گی. تو کتاب میں نقل کی امام صاحب بچے کی نصیحت. ہم اور آپ کا جو ہے نا بہت سخت, یا اجر بھی بہت ہے پکڑ بھی سخت ہے الٹا موڑنے میں. ابھی میں آپ کو الٹا موڑ دوں تو خدا مجھے پکڑے گا نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے. نہیں بھائی امانت ہے, صحیح طرح پہنچائیے جو آپ نے سنا. آگے اب ایک بات, ہمارے بعض نوجوان مولانا فرمایا اللہ ہمارے ساتھ یہ کوئی مسئلہ نہیں, اس طرح کا جو فرمایا دیکھو مکہ مکرمہ سے حضور سب نکلے. حضرت غور سے سننا, 100 تلواروں کا پہرا ہے, حضور نے آیت پڑھی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاخشیناہم فہم لا یبصرون. 100 تلواروں میں گزر گئے, گزر گئے, دکھایا اللہ نے اپنی طاقت. اب سیدھے اس آیت کو پڑھ کے حضور کو مدینہ جانا چاہیے تھا, جانا چاہیے مدینہ. غار ثور کیوں گئے؟ امت کو سمجھایا, حسن تدبیر اور اسباب اختیار کرنا کمال ایمان کے خلاف بھی نہیں. یہ مولانا تھانوی کا جملہ رحمت اللہ, وہ شابر فی الامر کے تحت دیکھ لیں, یہ مشورہ بھی تدبیر ہے, فیض اعظم تھا یہ بھی تدبیر ہے. فتوق کا اللہ بعد میں کہا, ہمارے دماغ میں آتی پاگلوں کی طرح بات کرتے, بالکل پاگل ہیں ہم. ابھی کتاب چھپی ہے ہندوستان میں بڑی عجیب, اس پر کمال کر دیا, کمال علم عجیب نعمت ہے, نورانی بڑے بڑے علماء کی اس پہ تقریر ہے. غور سے سننا, تدبیر اختیار کرنا کمال ایمان کے خلاف. اچھا ابو بکر صدیق غار میں ہے,
वो लोग घर तक पहुंच गए, और अगर जानते तो देख लेते। बल्कि कल तो मैं मोहन रुझानी साहब ने तो अगली बात फरमाई जो मैं कह नहीं सका। बोला यार रसूल अल्लाह वो देख नहीं रहे हमको। ला तहज़न इन्नल्लाह मा ज़न्नुका बिस्मिन अल्लाह सालिसुहुमा, जहाँ दो हों तीसरे अल्लाह हो। क्या ख्याल है अबू बकर? और मोहन रुझानी साहब हमारे पर्दा था, देख नहीं सके। उन्होंने कहा ये तो ये जाल ये मकड़ी का जाल तो पता नहीं कितने सालों का, ये झाड़ जो झुकी हुई कितने सालों से, कैसे जाएंगे अंदर? नहीं जा सके हजरत। उन्होंने नफी की, उनकी अकल सलब हो गई, वापस हो गई। ये सब अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं अपने आँखों से, फिर भी रास्ते में कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे। कही क्या कर रहे हैं? कहा शायद आगे से हमला हो, शायद पीछे से, तदबीर देखो। घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। इतने सुराखा पहुँचा।